नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया अडवाणी। आज फिर हम साथ में मिलकर एक जाने माने रचनाकार का जन्मदिन मनाएंगे, उन्हें और उनकी रचनाओं को याद करके। इस सप्ताह जिस प्रसिद्ध रचनाकार का जन्म दिवस पड़ रहा है वो है हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। आप सभी जो थोड़ा बहुत भी हिंदी साहित्य पढ़ते होंगे उन्होंने ये नाम तो सुना ही होगा। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवि थे, जिन्होंने व्यंग को विधा के रूप में स्थापित किया और समाज का वास्तविकताओं से परिचय करवाया अपने तीखे व्यंग्यों द्वारा। उनके एक व्यंग से शुरुआत करती हूँ। जो पानी छान कर पीते हैं वे आदमी का खून बिना छाने पी जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कड़वा लिखते थे, पर एकदम सटीक। ये एक ऐसे रचनाकार थे जिनका उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना नहीं था, वो तो सबको नींद से जगाना चाहते थे, समाज को आडंबरों से मुक्त करवाना चाहते थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। ज्यादातर समय नौकरी उन्होंने एक शिक्षक के रूप में ही करी, फिर 1957 में नौकरी छोड़कर लेखन पर ध्यान केंद्रित कर दिया। हालांकि कहानियां, उपन्यास, निबंध सब लिखते थे, पर प्रसिद्धि उन्हें व्यंग्यकार के रूप में ही मिली। एक हिंदी अखबार देशबंधु में वे पूछिए परसाई से नामक स्तंभ के अंतर्गत पाठकों के सवालों के जवाब देते थे। यह स्तंभ इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उनके जवाब पढ़ने के लिए अखबार का इंतजार किया करते थे। आप लोग उनके लेखन को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो कलम के क्रांतिकारी थे, चुभो देने की हद तक लिखते थे। अब जैसे उनकी ये पंक्ति सुनिए। अर्थशास्त्र जब धर्मशास्त्र के ऊपर चढ़ बैठता है तब गोरक्षा आंदोलन के नेता जूतों की दुकान खोल लेते हैं। ये व्यंग्य आज के राजनीतिक परिदृश्य में भी एकदम सटीक बैठता है। यही तो हो रहा है हर तरफ, सब बस अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। परसाई जी के लगभग सभी कार्य तत्कालीन समाज की समस्याओं और कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। उनके इस साहसिक और सच्चे लेखन के लिए हिंदी साहित्य और हम सब उनके सदा ऋणी रहेंगे। आइए उनकी कुछ मुख्य रचनाएं भी बता देती हूं। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, उपन्यास तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, प्रेमचंद के फटे जूते, ज्वाला और जल, वैष्णव की फिसलन, संस्मरण, तिरछी रेखाएं और अनेकों लेख और निबंध। उन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर नामक व्यंग्य रचना के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका निधन 10 अगस्त 1995 के दिन हुआ था। उनके एक काफी प्रसिद्ध कटाक्ष के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। दूसरे देशों में गाय दूध के उपयोग के लिए होती है, हमारे यहाँ दंगा करने, आंदोलन करने के लिए होती है। हमारी गाय और गायों से भिन्न है। आप समझ ही गए होंगे कि कैसा और क्या लिखते थे हरिशंकर परसाई जी। उनके जन्म दिवस पर नमन है उनको। अगले रविवार फिर मिलकर एक और साहित्यकार का जन्मदिन मनाएंगे, उनकी बातें याद करके। तब तक विदा दीजिए। और हाँ, आपको अगर ये श्रृंखला पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियोस को शेयर जरूर किया करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।